रामनामी जुलूस में शामिल होने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे। सबसे पहले उनका हम दिखाते हैं कैसे लोगों के राम राम के धुन पर नाचते नजर आए, उसके बाद हम सीधे बात करेंगे रामनवमी के जुलूस में शामिल होने। आज आप देख रहे हैं कि चारों ओर धूम है, चैती नवरात्र की, रामनवमी की, और आज रामनवमी के पूर्व संध्या पर आज देखिए आज पूरे गढ़वा शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है विभिन्न कमेटियों के द्वारा, महावीर मंडल और जो हमारा जनरल है कमेटी वहाँ उनके द्वारा, और ये पूरी तरह से आज पूरा हमारा गढ़वा, पूरा झारखंड और कहें तो पूरा देश भक्ति में सराबोर है। भगवान राम की आराधना हो रही है, कल रामनवमी है, हमारे माँ दुर्गा की आराधना 9 दिन से चल रही है। हम यही कामना करेंगे कि ये हमारा जो माहौल है ये हमेशा इसी तरह बना रहे, हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर किसी की नज़र न लगे। हम इसी धूमधाम के साथ रामनवमी भी मनाते हैं, यहाँ मुहर्रम भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, तो ये हमारा जो सुंदरता है हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की, हमारे देश की, ये सुंदरता हमेशा कायम रहे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति सभी धर्म के लोग एक दूसरे के सुख दुख में इसी तरह से हम लोग हिस्सा बटाएँ, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में खुशियाँ बाँटें, यही हम आज के दिन में कामना करेंगे। सही बात, गंगा जमुनी तहजीब है अपने यहाँ, वह तहजीब कायम रहे, और गढ़वा वो जिला है झारखंड का जहाँ पर सभी दोनों कौम के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में खुशी खुशी शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। बात अगर मंत्री की करें तो मंत्री जहाँ ईद में मुस्लिम धर्मावलंबी को मुबारकबाद देते हैं, वहीं रामनवमी में, दशहरा में, होली में बधाई भी दिया करते हैं। तो इस तरह से मंत्री की सबसे बड़ी खासियत है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी वह गढ़वा अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं और रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कामना की कि इसी तरह आपसी गंगा जमुनी तहजीब और आपसी मिलत कायम रहे। आज कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।